मुझे पता है कि कुछ लोग पैसा उगाही करते हैं, चंदा उगाही करते हैं, तो अभ्यर्थी लोग कृपा करके ऐसे लोगों से बच के रहें, क्योंकि अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारेंगे, पैसा डूबेगा। ये सर 18 केंद्र किस जिले के थे? 15 जिले थे। 15 जिलों 18 केंद्र। क्या शोकज किया गया है केंद्र अधीक्षक पर? हाँ, TRA 2। हम लोगों ने शिक्षा विभाग को भेज दिया। अब शिक्षा विभाग उस पर कार्य, क्योंकि ये तो प्रशासनिक कार्रवाई का दायरा आ जाता है ना, हमारे गाइडलाइंस हमारे प्रोटोकॉल को उन लोगों ने पालन नहीं किया, इसलिए वो लोग अब कार्रवाई कर रहे हैं। हम लोग भेज दिया था। ये समाचार ऑलरेडी आ चुका है और मैं उसी की बात खाली कर रहा हूँ। ये समाचार आ चुका है, लेकिन ये गफलत करके लिखा हुआ है, जो कि सही है जयशंकर जी, लेकिन इसको लोग जो इसको पेपर लीक और इस तरह की जो अनावश्यक जो करने लग रहे हैं लोग, उसको रंग दे रहे हैं, उसके बारे में मैं बता रहा हूँ कि अनावश्यक इस तरह से रंग देने से कुछ फायदा नहीं है। वैसे आज आप लोगों ने देखा होगा कि इंडियन एक्सप्रेस में एक मुख्य पृष्ठ पर ही जो पेपर लीक वाला जो कोर्ट केस, जो पेपर लीक का जो कानून बन रहा है, उसके संबंध में कितने राज्य 5 साल में कितने राज्यों में कितने पेपर लीक्स हुए हैं, इसकी सूचना है, तो ये उसमें दिया हुआ। उसमें सबसे ज़्यादा राजस्थान के यहाँ 7 पेपर लीक्स के मामले हुआ, उस पेपर में आया हुआ है। पॉइंट यह है कि जो पेपर लीक जानकारी में हो जाती है वो उसी की बात होती है, जो छुपा रहता है वो पता नहीं चलता है किसी को। लोग प्राय देखा जाता है कि जो लोग सामने में आ जाता है उसी की चर्चा करके लोग कहने लगते हैं कि बहुत हंगामा करने लगते हैं, जो चीज़ नहीं सामने में आया वो तो पता ही नहीं चला, गुपचुप हो गया बहुत चीज़। तो कई बार मैंने कहा है कि हम लोग अपनी व्यवस्था को इस तरह से पारदर्शी बनाने कर रहे हैं, किए हुए हैं, कि ताकि सबको सब चीज़ पता चलते रहे। बहुत सी चीज़ों को आप लोग अभी देख रहे हैं वो उसी का नतीजा है, कि चूंकि हम लोगों ने पारदर्शी रखा इसलिए आपको पता भी चल रहा है, और पता चलना ही चाहिए, क्योंकि तभी तो हमारे यहाँ भी अगर कोई गंदगी कोई नहीं करने से डरेगा। तो ये तो हो गई पुरानी बातों के लिए, तो अब हम लोग आज का जो मुख्य बातें जो आज की है वो हम बता दें आपको। सरकार ने TRE 2, मतलब शिक्षा विभाग ने TRE 2 सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए तो पहले से मना किया हुआ है, 19 तारीख को आप लोग सब अवगत हैं इससे। और चूंकि SC ST वेलफेयर डिपार्टमेंट का मामला मैंने पहले ही बताया था कि उसकी अध्याचना बाद में आने के कारण से उसको हम लोगों ने शिक्षा विभाग के साथ ही जोड़ दिया था, तो शिक्षा विभाग का चूंकि सप्लीमेंट्री नहीं आ रहा है, इसलिए SC ST वेलफेयर डिपार्टमेंट का भी कोई सप्लीमेंट्री नहीं आएगा। और उनके यहाँ से भी इसी कारण से, क्योंकि दोनों का जुटा हुआ था मामला, इसलिए उनका भी नहीं होगा। और EBC BC वेलफेयर का हम लोगों ने ऑलरेडी दे दिया है, तो हम लोग आयोग की ओर से अब TRE 2 का डी एंड हो चुका है, क्लोज हो चुका है। तो अब हम TRE 3 की बात करेंगे। TRE 3 हम लोगों ने पहले आगामी जो TRE का विचार किया था तो अगस्त के लिए किया हुआ था, वो अगस्त में TRE होगा, लेकिन वो TRE 4 होगा। और आप TRE 3 को समझ लीजिए, सप्लीमेंट्री TRE समझ लीजिए, सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आया कोई बात नहीं, लेकिन सप्लीमेंट्री TRE आप इसको समझ लीजिए एक तरह से। और वो TRE 3 होगा और वो मार्च में होगा। और अभी हम लोगों ने एक टेंटेटिव आपको डेट मैं कुछ बता दूं, 10 फरवरी से 23 फरवरी तक आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे ऑनलाइन, और 7 मार्च से 17 मार्च तक में परीक्षा होगी, 17 मार्च तक। और ये परीक्षा होगी 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10 और 11 to 12, चारों कैटेगरी की होगी, एक्सेप्ट हेडमास्टर की परीक्षा नहीं होगी इसमें। इसके बाद
जब ये इसका उसके बाद का आगे का कार्यक्रम बनेगा, बहुत जल्दी बनेगा उसका भी, वो हेड टीचर का है लेकिन वो अभी नहीं, लेकिन बहुत जल्दी उसके लिए भी आएगा मामला, लेकिन फिलहाल जो है वो TRE-3 है और TRE-3 का ये मामला जो है बता दिया मैंने, आवेदन 10 फरवरी से 23 फरवरी, परीक्षा 7 मार्च से 17 मार्च। ये परीक्षा की तिथि अभी हम लोगों ने जैसे बताया कि टेंटेटिव है, क्योंकि हम लोगों को अगर इलेक्शन के कारण से अगर DMs की लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था वगैरह कई पहलू होते हैं जो आप लोग जानते हैं, तो अगर वैसे कुछ पहलू होगा तो उस पर आगे पीछे कुछ करना पड़ सकता है। अभी फिलहाल के लिए यही मान के चलें कि अभ्यर्थी तैयारी करें और ये 7 से 17 मार्च जो हो गए परीक्षा, इसमें शिक्षा विभाग, क्योंकि उसका सप्लीमेंट्री नहीं आया था इसलिए शिक्षा विभाग, और चूंकि SC ST वेलफेयर का भी सप्लीमेंट्री नहीं आया था इसलिए SC ST वेलफेयर, ये दोनों ही डिपार्टमेंट के लिए ये एग्ज़ाम होगा।